नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मियों में फार्म को ठंडा रखने की व्यवस्था कैसे की जाए, तो जो किसान भाई अभी भी गर्मी में मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो गर्मी में आप मुर्गी रखना चाहते हैं तो जो भी आपको मुर्गी रखना हो गर्मी में, या तो आप देसी रखें या बॉयलर रखें या कोई और मुर्गी रखें, देसी हो बॉयलर हो या आपको FFZ रख रहे हैं, कोई सा भी आप मुर्गी रख रहे हैं, तो उसको कैसे आप देख रेख करें और कैसे उसका पालन पोषण करें गर्मी में कि आपको जो चूजे हैं वो बहुत कम ही मरे और बिल्कुल ही अस्थिर और तंदुरुस्त रहें। गर्मी में बहुत सारे किसान भाई के मुर्गी फार्म में बीमारी आ जाती है और बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ मरती भी हैं, तो इस चीज़ से दूर रहें। और पोल्ट्री फार्म में सबसे ज़्यादा मुर्गियों और चूजों की मोर्टलिटी गर्मी की वजह से देखने को मिलती है और यहाँ पर फार्मर को भारी नुकसान होता है। और मैं बता दूं कि अंत में हार कर बहुत सारे किसान भाई पोल्ट्री फार्मर बंद कर देते हैं और गर्मियों को ठंडा रखने के लिए जो उपाय है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए किसान भाई वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुर्गी से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और फार्मिंग से संबंधित जानकारी मिलेगी और चूजे कहाँ से लें, कैसे लें, क्या है, सभी तरह की जानकारी मिलते रहेंगे और जो रख रखाव के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले लाइक कीजिए। अगर जो आप अपने शेड के कई तरीकों को ठंडा रख सकते हैं उसमें मैं बता दूं आपको कि जो किसान भाई कुछ लोग अपना करकट के शेड रखते हैं यानी प्लास्टिक का, टीन का और कुछ सीमेंट का, तो ज़्यादातर अच्छा रहता है सीमेंट का, नहीं तो खर फूस पतवार का कम पैसा है तो उससे भी आप लोग काम कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि कुछ किसान भाई अपना कूलर पंखा का भी प्रयोग करके अपना फार्म को ठंडा रखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आप फैन रखिए और मैं बता दूं आपको कि जो ये फैन है उसके जगह पर एक और एक्सॉस्ट फैन यूज़ कीजिएगा, जो बाहर में खिड़की के पास जो लगा हुआ रहता है उसको एक्सॉस्ट फैन, बाहरी हवा निकालने के लिए, तो अंदर से जो बाहर हवा फेंकता है वो फैन ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि फार्म में ठंडापन बना रहे। और ये कूलर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुर्गी फार्म में कूलर लगाने पर क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं गंदगी ज़्यादा होती है तो पूरा गंदा हो रखेगा, तो फैन लगा सकते हैं, टेबल फैन लगा सकते हैं और एक्सॉस्ट फैन लगा लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि शेड के ऊपर कुछ लोग स्प्रिंकलर लगाते हैं, स्प्रिंकलर लगाना बहुत ही ज़रूरी है और अंदर फॉगर भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्प्रिंकलर और इस प्रकार से फॉगर लगाया जाता है अंदर रूम में भी। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं वो यहाँ पर स्प्रिंकलर है, फॉगर है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ऐसा उपकरण आप लोग लगा दीजिएगा फॉर्म में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आपका फार्म भी सुरक्षित रहेगा। अब आगे हम लोग चल के देखते हैं, जो टीन के चादर हैं या तो आपको सीमेंट का चादर है उसके ऊपर खर पतवार डाल दीजिएगा या पुआल डाल दीजिएगा, उसके ऊपर फॉगर लगा देते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो मैं एक साधारण उपाय बता दूं कि अगर जो आपके यहाँ भी जो एक वाटर पम्प होता है ना जिससे हम लोग छींटते हैं, पानी छींटते हैं आपको फसल पे, जो होता है आपको हैंडल से मारने वाला, वो भी यूज कर सकते हैं जिससे दवा छींटी जाती है, वो फॉगर नहीं है तो वो भी अपने फार्म में लगा सकते हैं। जाली वाला जगह जो भी है जहाँ पे आप लोग जाली का यूज़ किए हुए हैं फार्म में, तो वहाँ पर जूट वाला जो बोरा होता है उसे बांध कर उन्हें पानी से गीला करके रखें या तो उसमें पानी का कनेक्शन बना करके रखें ताकि आपको अच्छा से उसका सदुपयोग हो सके और अंदर ठंडी हवा जा सके। और तापमान मीटर का प्रयोग करें ताकि उससे पता चले कि आपका जो फार्म का टेम्परेचर है वो कितना है। ठंड का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, प्रत्येक शेड में जहाँ जहाँ आपको चूजा या बर्ड पाल रहे हैं वहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर का प्रयोग अवश्य करें ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी उसको मिल सके। अब मैं बता दूँ जो टेम्परेचर मीटर है वो इस तरीके से है, इसमें आपको टेम्परेचर मुर्गी फार्म में अगर जो 35 से ऊपर हो रही है तो आप उसमें छिड़काव शुरू कर दें पानी का,
या तो कुछ ना कुछ उपयोग करें। 30-35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होने दें, हार्डली 38 तक होने दें। उसके बाद अगर जो होती है तो बहुत सारा मुर्गियों में मोर्टिलिटी हो सकती है, बीमारी हो सकती है और आगे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ मर भी सकती हैं। तो जो किसान भाई अभी तक गर्मी के बारे में जानकारी नहीं थी उनको जानकारी मिल गई, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं भी थे और आगे भी अच्छे अच्छे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।